नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कोच पर। फ्रेंड्स, सब बैंकों में हम जो भी खाता खोलते हैं उसमें बैंक हमें चार्ज लगाता है या मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी हम बैंक खाता खोल सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता खोल सकता है जीरो बैलेंस के साथ, और ये सब कर सकता है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे बैठे अपना खाता खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो देखते हैं आज की वीडियो में कैसे हम पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर में और वहां पर लिखेंगे इंडिया पोस्ट। जी हाँ, इंडिया पोस्ट लिखने के बाद IPPB का जो मोबाइल बैंकिंग का ऐप है, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये हमसे लॉगिन नाउ का ऑप्शन मांगता है। लॉगिन नाउ, जिनका पहले अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं, और हम आज नया अकाउंट खोलने वाले हैं तो हम ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, इस तरह से आपके सामने पेज खुलता है जिसमें आपको मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डालना होता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड दो इसके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं। तो आइए मैं अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड इसमें एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर और पैन कार्ड एंटर करने के बाद प्रोडक्ट नेम पर हमें डिजिटल सेविंग अकाउंट पर बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है उस पर ही रखना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP आएगा, हमें वो OTP फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो विंडो खुलती है उसमें हमसे ये आधार कार्ड नंबर मांगता है, तो हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। हमें आधार कार्ड नंबर री एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद हमसे दो अप्रूवल मांगता है, हम इन पर क्लिक करते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमसे ये आधार OTP आएगा, उसे हम सबमिट करेंगे। आधार OTP सबमिट करने के बाद हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आता है, जिसमें हमें पांच ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन इसने मेरी आधार से लिंक होने के बाद ले ली है, जैसे मेरी फ़ोटो, आधार नंबर, मेरा नाम और फादर नेम, कुछ डिटेल हमें इसमें भरनी होती है। मदर नेम हमें यहाँ पर दो बार भरना होता है, और हस्बैंड वाइफ नेम हमें इसमें सारी डिटेल भरनी होती है। तो आइए दोस्तों, मैं डिटेल फिल करता हूँ। डिटेल भरने के बाद मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और ये हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, इस पर हम क्लिक करते हैं। आधार कार्ड से लिंक एड्रेस हमारा इसमें ऑलरेडी सबमिट हो जाता है, हम इसको सेव कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास नॉमिनी डिटेल। फ्रेंड्स, अगर हम नॉमिनी डालना चाहते हैं तो हम इसमें यस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, और नहीं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नो पर रहता है। अगर हम यस पर क्लिक करते हैं तो नॉमिनी की डिटेल ये हमसे डिमांड करता है, जैसे उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, इसके बारे में सारी नॉमिनीज की डिटेल हमें डालनी होती है। अभी हम नो पर रखते हैं और इसे सेव कर देते हैं। इससे नेक्स्ट हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे मेटेरियल स्टेटस के बारे में जानकारी मांगता है कि हमारा मेटेरियल स्टेटस क्या है। ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी मांगता है कि हमारा काम क्या है, हम क्या क्या काम करते हैं। ग्रॉस सैलरी की डिटेल मांगता है हमसे। एजुकेशन लेवल हमसे डिमांड करता है कि हमारा एजुकेशन लेवल क्या है। ये सब चीज़ें भरने के बाद ये हमें बताता है कि हम पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है या नहीं है। इसमें हमें येस और नो पर क्लिक करना होता है, और ये सारी डिटेल डालने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो आइए दोस्तों, डिटेल भरते हैं। सारी डिटेल भरने के बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं और इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है कि हम ऑनलाइन डिटेल चाहते हैं या पोस्टल डिटेल चाहते हैं अपने अकाउंट के बारे में, या जो सब्सिडी हमारे किसी और अकाउंट में आ रही है, क्या हम चाहते हैं कि वो इस अकाउंट में आए या उसी अकाउंट में रहे। तो हम नो पर क्लिक करते हैं, और यस पर क्लिक करने के बाद ही हमसे जितनी भी डिटेल होगी बैंक की वो हमसे डिमांड करेगा। हम नो पर रखते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ये सारी डिटेल सेव करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये हमसे कंफर्मेशन मांगता है, हमारी जितनी डिटेल भी होती है उसकी ये रिकन्फर्म करने का ऑप्शन होता है। अगर कुछ एडिट हमें करना है तो हम पेंसिल के मार्क पर क्लिक करेंगे और उसे एडिट करेंगे, और अगर कुछ एडिट नहीं करना है तो हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद एक OTP हमें सेंड करता है हमारे मोबाइल नंबर पर। OTP सबमिट करने के बाद ये हमारा अकाउंट
ओपन हो जाता है। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता है। इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे रखेंगे अपने पास और होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर ये वहीं पर लेके आता है जहाँ से हमने शुरू किया था और लॉगिन नाउ पर क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। अब हम लॉगिन नाउ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमसे ये अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसकी डिमांड करता है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, इस पर हम सबमिट करते हैं। डिटेल सबमिट करने के बाद हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एम पिन का ऑप्शन है, इसमें हम अपना एम पिन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लॉगिन कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों क्रिएट करते हैं। एम पिन एंटर करने के बाद हम सेट एम पिन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास ओटीपी आता है जिसे हमें फिल करना है और हम ओटीपी फिल करते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आता है और एंजॉय बैंकिंग विद अस, इस तरीके से हम दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और अपने सारे अकाउंट्स की डिटेल को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए जो एम पिन हमने सेट किया था वो हमसे एम पिन डिमांड करेगा, तो हम एम पिन एंटर करेंगे। एम पिन एंटर करने के बाद हमारा अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर हमें व्यू स्टेटमेंट, सेंड मनी, पे बिल्स, कार्ड्स, ये सारे ऑप्शंस होंगे जो हमें नॉर्मल बैंक अकाउंट में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बिल हम पे कर सकते हैं। सबसे हम पे बिल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बिल पे करने का ऑप्शन आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड यहाँ से पे कर सकते हैं, गैस कनेक्शन का बिल पे कर सकते हैं, वाटर कनेक्शन का बिल पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस अकाउंट से हम ये सारे बिल की पेमेंट्स कर सकते हैं। तो बैक आते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास इस अकाउंट में हमें मिलता है। नेक्स्ट हम सर्विस पर क्लिक करते हैं। सर्विस के पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हमें चेकबुक मंगाना है या हमें अपडेट करना है अपना पिन, आधार की सेटिंग करनी है, कुछ भी हमारे पास ईमेल आईडी अपडेट करनी है या स्टेटमेंट अपडेट करवानी है, तो ये सारी डिटेल हमारे पास हमें मिल जाती हैं। हम वापस होम पर क्लिक करेंगे। हम डीओपी सर्विस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। जी हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आरडी का ऑप्शन भी है, पीपीएफ का ऑप्शन भी मिल जाता है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी हम यहाँ से ऑनलाइन खोल सकते हैं और उसकी पेमेंट कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट आरडी भी हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। हम होम पर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं कि सेंड मनी, सेंड मनी में हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद। हमें डेबिट कार्ड अगर रिसीव करना है तो हम होम ब्रांच पर जाकर रिसीव कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों यहां पर आपको कि इस अकाउंट को रन करने के लिए मिनिमम 1 ईयर्स के अंदर आपको केवाईसी अपडेट करवाना होगा किसी भी अपने पोस्ट ऑफिस की ब्रांच पर जाकर। वहां पर आप जाकर केवाईसी अपडेट करवाएं और इस अकाउंट को लंबे समय तक चला सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ये 1 साल तक वैलिड होता है। फिजिकल केवाईसी करवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होता है। हम किसी भी बैंक अकाउंट से अपने इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर इस अकाउंट में हम पैसे रख के या किसी और ट्रांजैक्शन को हम कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर इसका आईएफएससी कोड भी मिल जाता है, ब्रांच नेम मिल जाता है और हमें अकाउंट नंबर की डिटेल भी मिलती हैं जो हम कहीं भी ऐड करके इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें पैसे रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने कि कैसे हम पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं वो भी 0 बैलेंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसी और बैंक अकाउंट में आपको पैसे जमा कराने की ज़रूरत पड़ती होगी लेकिन यहाँ पर आप 0 बैलेंस का खाता मेंटेन कर सकते हैं 1 साल तक। 1 साल के अंदर आपको फिजिकल KYC कराना होता है पोस्ट ऑफिस में जाकर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कोई और रिक्वायरमेंट या इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।